जनपद चंदौली के पंडित दीनदयाल नगर में अभिभावकों द्वारा स्कूल फीस के विरोध में की गई भूख हड़ताल। यह खबर यूपी के चंदौली जिले से, जहां कोरोना महामारी में अति प्रभावित व्यापार, नौकरी, रोजगार से जूझ रहे अभिभावकों से दबाव डालकर प्रताड़ित करके लगान रूपी वसूली जा रही है। स्कूल फीस के विरोध में पंडित दीनदयाल नगर उपाध्याय नगर मुगलसराय के अभिभावकों द्वारा भूख हड़ताल का आह्वान किया गया, जो कि सुबह 9 बजे से आर्य समाज मंदिर कोतवाली के बगल में शांतिपूर्वक ढंग से हुई। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के पहले चरण से अब तक विद्यालय लगभग पूर्ण रूप से बंद चल रही है और आगे कब तक बंद रहेगी यह कोई समय निश्चित नहीं है, और दिखावे के रूप में ऑनलाइन की पढ़ाई को शुरू कर दी गई है, परंतु ऑनलाइन पढ़ाई से केवल एक औपचारिकता ही पूरी हो रही है, बच्चों के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। इसका सीधा प्रमाण कुछ दिनों पहले जब चंदौली जिले के जिलाधिकारी ने बच्चों के साथ एक बैठक की, तो उसमें सीधे संवाद में बच्चों ने जिलाधिकारी को बताया कि सर, हमें ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और मोबाइल नेटवर्क का हाल तो सबको मालूम ही है, तो शिक्षा के रूप में बच्चों तक कुछ भी पहुँच नहीं पा रहा है और ऑनलाइन पढ़ाई में कई तरह की समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जैसे कि एक घर में 2 से 3 बच्चे या उससे अधिक बच्चे हों तो इतनी मोबाइल हैंडसेट घर में नहीं है, जिससे वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं। बहुत छोटे बच्चों को तो पढ़ाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, उनके लिए तो केवल मोबाइल गेम के लिए रह गई है। जो बच्चे थोड़े बहुत समझदार हैं वो बच्चे पढ़ाई के समय मोबाइल में उल्टी सीधी चीज़ खोजकर देख रहे हैं, जिससे उनके भविष्य में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें कि ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा स्कूलों द्वारा फीस में बिल्डिंग, बिजली और सारी चीज़ें की वसूली की जा रही है, जिससे विद्यालय प्रबंधक की कोई चीज़ इस्तेमाल में नहीं हो रही है। इसके बाद भी शासन और प्रबंधक अंधे और बहरे हो चुके हैं, जिससे यह सारी समस्याएं दिखाई नहीं पड़ रही है, और शासन ने तो प्रबंधकों को खुली छूट दे रखी है लगान रूपी स्कूल से वसूलने की, जबकि अभिभावकों ने जिले के सारे सत्ताधारी नेताओं, उच्च अधिकारियों, शिक्षा अधिकारियों से, जिला अधिकारियों से कई दौरे बैठक की, अपनी बातों को रखा, आग्रह किया, अनुरोध किया, हाथ जोड़कर, परंतु उनके कान पर जू तक नहीं रेंगे। अभिभावकों ने यह मांग रखी कि हमें केवल विद्यालय की स्कूल फीस में से 50% की रियायत दी जाए, बाकी फीस हम लोग भरने को तैयार हैं और दूसरे भी अभिभावकों को प्रेरित करेंगे, परंतु अभिभावकों द्वारा भरसक प्रयास के बाद भी उनकी मांगों पर बिल्कुल भी यह लोग ध्यान देने को तैयार नहीं है। कई महीनों के आंदोलन में बिल्कुल ही विवश होकर और मजबूर होकर अभिभावकों ने भूख हड़ताल का आह्वान किया, और इस भूख हड़ताल में महिलाओं का और बुजुर्गों का और नगर के काफ़ी जनों का सहयोग उम्मीद से ज़्यादा मिल रही है। अभिभावकों ने तय किया कि अगर जल्द ही सरकार द्वारा हमारी बातों को अनसुना किया गया और इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो अगले चरण में हम जिले के हर बड़े स्कूल के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल बारी बारी करते रहेंगे। देखिए चंदौली से अमरेश भारती की रिपोर्ट।